बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश कुमार सरकार ने एक बार राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सर्विस सेवाओं को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल आदि को बंद किया जाएगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान धार्मिक संस्थानों में भी ताला लगा रहेगा, जबकि सब्जी और फल की दुकानें सुबह और शाम ही खुलेंगी। गौरतलब है कि कोरोना से चिंतित प्रशासन ने बिहार के कई जिलों में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 10 दिनों में कोरोना के मरीज सामने आए, इसमें सीएम नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास पर भी कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं बिहार बीजेपी के कई नेता और प्रदेश कार्यालय में भी तैनात कुल 75 लोग संक्रमित मिले हैं। जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में कुल 17,959 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। बिहार के कई बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं।